हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी गनाइस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिशिव। देखिए फ्रेंड्स, इन मुद्राओं पर क्या होता था, एक प्लोथी मार के योगी की तस्वीर देखने को मिलती थी और हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से इसको आदि शिव की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। देखिए, लोथल गुजरात में है, ये हड़प्पा कालीन एक स्थल है। और बात करें कालीबंगा, ये आप सभी जानते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये स्थल मिलता है। रोपड़ ये पंजाब में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है? देखिए, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है मर्तकों का टीला। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड या सिंध का बाग भी मोहनजोदाड़ो को बोल देते हैं, ठीक है। तो स्थानीय इसका नाम है मर्तकों का टीला, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप सभी जानते हैं, 1921 में दयाराम सिहानी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बैल। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, बैल। देखिए, कुबड़ वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एक सिरंगी बैल का भी चित्र जो है इसमें मिलता है, ठीक है। और जो है ये पशु पूजा की ओर संकेत करता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। देखिए, सिंधु सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसको नगर नियोजन के नाम से हम जानते हैं। और इसमें 6 बड़े नगर जो है मिले थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाल, धोलवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ठीक है। और अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। ये गुजरात में है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये भारत में नहीं है, लोथल भारत में स्थित है और ये गुजरात में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, हड़प्पा। आपको बता दें, सबसे पुराना शहर यानी कि सबसे पहला शहर था हड़प्पा। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम सिहानी के द्वारा, ठीक है। और आधुनिक हड़प्पा जो है पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यहाँ पर कौन सा कथन असत्य पूछा गया है, देखिए इसमें क्या है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मर्त देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वे लोहे से परिचित नहीं थे, तो सही आंसर यहाँ पर जो बनेगा असत्य है, वहाँ के लोग लोहे से परिचित थे ये नहीं है, वहाँ के लोगों को लोहे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये असत्य है क्योंकि वहाँ के लोगों को लोहे से वे परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन डी असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट, यहाँ पर सूची सेकंड दी गया है और यहाँ पर इसको सम्मिलित करना है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ये मांडा और जम्मू से सम्मिलित है। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दैमाबाद और महाराष्ट्र से संबंधित है। सिंधु सभ्यता की पूरी सीमा जो थी
वहां से जो मिलते हैं हमें आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो थी वहाँ पर जो स्थान मिलते हैं बलूचिस्तान सूत्रकोट गेंडर, तो यहाँ पर कोट आंसर बनेगा आपका 1, 2, 3, 4, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए मांडा जो स्थित है वो चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है, और अभी हम आपको बता दें ये जो उत्तरी पुरास्थल में मिलता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मांडा, और ये चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रोपड़ जो मिलता है ये सतलुज नदी के किनारे पर मिलता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यता किस रंग का उपयोग हुआ था? देखिए हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले थे उन पर जो रंग का प्रयोग किया गया था लाल रंग का प्रयोग किया गया था, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? देखिए सिंधु सभ्यता जो पड़ता है ये पड़ता है आद ऐतिहासिक काल में, कहाँ पर पड़ता है आद ऐतिहासिक काल में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली थी वो अद्भुत थी, लगभग हर नगर के हर नगर में छोटा हो या बड़ा मकान हो सब में स्नानागार होता था, ठीक है, और कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे, घरों का पानी बहकर सड़क तक आता जहां इनके नीचे नालियां बनी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है? देखिए दो भारतीयों का जो नाम जुड़ा है सिंधु सभ्यता से वे हैं दयाराम सिहानी और राखलदास बनर्जी, ये दो भारतीय हैं जिनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी और दयाराम सिहानी। क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? देखिए रंगपुर जो है यहाँ पर प्राचीन जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मिलती है, और ये रंगपुर है आपका सौराष्ट्र में, सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र गुजरात में होता है, और ये सौराष्ट्र जो है सॉरी रंगपुर सौराष्ट्र में है, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? देखिए इन दोनों स्थलों की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल, कौन थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें 19 मार्च 1876 चेस्टर इंग्लैंड, 17 अगस्त 1858 गिलफोर्ड इंग्लैंड, यानी कि 1876 में इनका जन्म हुआ था चेस्टर इंग्लैंड में, और 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड में। 1902 से 1928 तक इन्होंने जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक ये रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन सी बैल सही आंसर हो जाएगा। इससे पता चलता है सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विश्वास करते थे मर्त्य शक्ति में, किसमें मर्त्य शक्ति में, मर्त्य शक्ति में विश्वास करते थे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग मर्त्य देवी की पूजा करते थे, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इससे पता चलता है कि ये लोग मर्त्य शक्ति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोट डीजी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोट डीजी इसकी खुदाई 1955 में एफ ए खान द्वारा करवाई गई थी,
और ये स्थल जो मिलता है मोहनजोदाड़ो के समीप मिलता है, लेकिन ये समुद्र के तट पर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाल स्नानगार। सॉरी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, इन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी नगरों में घरों के विन्यास के लिए। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।